तो कीर है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए फॉरेस्ट गार्ड सपा हिसाब से अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ। कोटली सतिया का ये फॉरेस्ट है, चीर फॉरेस्ट, इंतहाई खूबसूरत वैली है। इसने कवरेज दी हुई है, चीर ने इस वैली को जन्नत नज़ीर वादी बनाया हुआ है सिर्फ इस फॉरेस्ट की वजह से। और मैं इर्द गिर्द आप देखें तो आपको ये ग्रीनरी नजर आएगी, मोस्टली इस कोटली सतिया में चीर का फॉरेस्ट पाया जाता है। ड्यूटी तो हमारी 24 घंटे ही है, हम रेस्ट हाउस पे रहते हैं, हमारे क्वार्टर बने हुए उनमें रहते हैं। तकरीबन सुबह 6 बजे उठते हैं, नाश्ता किया तो अपनी गश्त के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले तो रूटी जंगल की गश्त है, फिर रोज़ाना जंगल की गश्त करनी है, जंगल में देखना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर कोई नुकसान कर रहा है तो उसको बचाना है, इंक्रोचमेंट हो रही है तो उसको बचाना है, अपनी बाउंड्री लाइन्स को, उनकी बाउंड्री पिलर को देखना है कि सही सलामत है, हमारे रकबे में इस तरह का कोई गैर जरूरी या इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इलीगल एक्टिविटी जो भी है जंगल में, इंक्रोचमेंट है या कटाई हो रही है, तो उसको हमने रोकना है। मुलाजमीन की कमी की वजह से एक से ज्यादा बीट्स हैं तो गश्त पे जाते हैं, रात को तकरीबन हमें स्टे करना पड़ता है, ये बीट में ही किसी जगह स्टे करना पड़ता है, तो दूसरे दिन फिर दूसरी बीट, इस तरह करके तीसरे दिन तीसरी बीट, ये हमारा गश्त का तरीकाकार है। कोशिश करते हैं कि वक्त के लिहाज से आबादी के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये हिली एरिया है तो इसमें बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह तो जाती नहीं है, कहीं क्लाइंब करना है, किसी जगह नीचे उतरना है, 4 से 5 किलोमीटर एवरेज हम ट्रैवल करते हैं क्योंकि हिली एरिया है। और मुश्किल इतना होता है कि एक से ज्यादा बीट्स अगर एक गार्ड के पास मौजूद हैं, जो कि हैं लाजमीन की कमी की वजह से हैं, तो 3-3 दिन तक हम अपने वापस रेस्ट हाउस पर नहीं आते। 3 दिन के बाद वापसी हमारी तकरीबन हमारे हेडक्वार्टर पर होती है, तो आप उससे खुद अंदाजा खुद ऑब्जर्व कर लें कि कितना मुश्किल है। एक बंदा 3 दिन से प्रॉपर सफर कर रहा है इली एरिया में, तो उसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रेस्ट हाउस या तो हमारा कोई एयरस्पेस चले जाए तो दिखा लेते, नहीं तो मुकामी आबादी में उसमें मुकामी लोग तावन करते हैं तो उनके साथ ही। मेरा नाम असद अली है, मैं कोटली सतिया में बतौर सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 8 साल हो गए, मैं शोबे से मुंसलिक हूँ। कोटली सतिया इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पे है, और अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो इसके एक साइड पे मरी का इलाका लगता है, दूसरी साइड पे कहूटा है, और तीसरी साइड पे इसके आज़ाद कश्मीर लगता है। ज्योग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से एक बड़ा खूबसूरत इलाका है और इसको न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इसको जो है ना उजागर किया जा रहा है। तहसील कोटली सतिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो तकरीबन 27,000 एकड़ है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 3 सब डिविजन्स हैं, जिसमें कोटली सतिया है, जिसमें लतराड़ है, और करोड़ सब डिविजन आती है। तो वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे बड़ा डाइवर्सिफाइड फ्लोरा है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास स्क्रब फॉरेस्ट आते हैं जिसमें हमारे पास कऊ, फलाई, सनथा, ये यहाँ पाया जाता है। इसके बाद अगर ऊपर चले जाएं तो हमारे पास चीड़ जोन आता है जिसपे हमारे पास ये चीड़ के दरख्त पाए जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा एलिवेशन पे जाते हैं मॉइस्ट टेम्परेट में तो वहाँ पे आपको कैल के दरख्त भी मिलते हैं। हमने कई जगहों पे देखा 150-150 साल से पुराने दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारी ऐसी जगह हैं जो देखने लायक हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे फायर वॉच टावर्स हैं, यहाँ पे हमारा ये धनोई फॉरेस्ट रिजॉर्ट है, यहाँ पे पंचपीर रॉक्स हैं, परशन हिल टॉप है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक बुर्ज पतराटा ट्रैक है, अगर किसी को शौक हो यहाँ पे ट्रैकिंग का तो ये सबसे अच्छा ट्रैक यहाँ पर है हमारे पास। एक हमारे पास धनोई से नड़ रेस्ट हाउस तक का एक ट्रैक है, तो ये बड़े अच्छे हमारे पास स्पॉट्स हैं, बहुत ही आपको विल्डरनेस के करीब जो है ना आपको इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलेगा। रावलपिंडी फॉरेस्ट डिवीजन था ये 1870 में जो है ना ये क्या में आया था।
बाद में इसको 1916 में ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। आजकल हमारे पास इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह की, यहाँ पे हमारे पास 5 सब डिविजन है और एक रेंज है। तो तहसील कोटली सतिया में हमारे पास ये 3 सब डिविजन फॉल करती हैं, जिसके मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें कोटली सतिया है, करोर है और लतराड़ है। तो आप इस रिज की दूसरी साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आपका कहूटा आता है, वहाँ पे आपका ये पंजाड़ रेंज आती है और वहाँ पे कलर सैदा सब डिविजन आती है। कोटली सतिया सब डिविजन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 11,000 एकड़ का रकबा है। तो स्टाफ अभी जो हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ हमारे पास यहाँ पे कम है। हमारे पास अभी यहाँ पे तकरीबन 16 फॉरेस्ट गार्ड हैं जो इस 11,000 एकड़ को देख रहे हैं। बेसिकली जो गार्ड होता है वो बीट इंचार्ज होता है और एक बीट वेरी करती है एरिया पे, जो 600 एकड़ से लेके 1,000-1,200 एकड़ की एक बीट होती है। दो दो बीटों पे हमें एक एक गार्ड जो है ना करना पड़ता है। तो ह्यूमनली तो इम्पॉसिबल है कि एक दिन में आप इतना एरिया कवर करें। तो इसके लिए ये होता है कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो वक्तन फवक्तन, इनके अगर आज एक बीट में निकला है तो उसको रात कहीं ना कहीं स्टे करनी पड़ेगी, फिर अगले दिन उसको जाके वहां से उसको फर्दर जो है ना अपने जंगल का गश्त करना पड़ता है। चूंकि यहाँ पे हिली ट्रैक है तो बाइक्स हर जगह आप नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं कि आप जो है ना बमुश्किल आप वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है पेट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गार्ड को, कि अगर लेट सपोज कहीं अगर कोई नुकसान होता है या कहीं से कोई ऐसी कंप्लेंट मसूल होती है तो वो उसको वहाँ पे जाते शायद पैदल उसको 2-3 घंटे भी लग जाए पहुँचने के लिए। आपको नहीं पता अगर टिम्बर माफिया है तो वो शायद असले से लेस हों, तो किसी भी किस्म का जो है ना आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे अटैक करें। जब एक अकेला गार्ड गश्त के लिए निकलता है तो ख़तरा तो उसको हर टाइम रहता ही है, टिम्बर माफिया से भी निपटना है, जंगली जानवर हैं, सांप हैं, पिग्स वगैरह हैं, लेपर्ड्स की फरेस्ट में मौजूद हैं, ख़तरा तो हर टाइम रहता ही है। तो उसमें ये कह लें कि सेफ्टी न होने के बराबर है, वार कर सकता है कोई टिम्बर माफिया तो उसके पास हर तरह का औजार मौजूद होता है, क्योंकि एट अ टाइम वो 4-5 आदमी मौजूद रहते हैं, क्योंकि दरख्त को काटने के लिए 4-6 आदमी की जरूरत पड़ती है। तो उनके पास कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ मौजूद होता है, तो जान का खतरा रहता ही है, किसी भी तरीके से वो वार आगे से कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, एक अकेला गार्ड है, असला वगैरह कोई अलाउड नहीं है। तो जंगल की गश्त है, एक अकेला फॉरेस्ट गार्ड है, रात के टाइम भी किसी टाइम खबर आती है कि किसी जगह दरख्त की कटाई हो रही है तो अकेला फॉरेस्ट गार्ड जाता है, इसके लिए सेफ्टी कोई भी नहीं है। से 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जिसमें यहाँ पे कई जंगलों पे जहाँ पे खाली पैचेज हैं वहाँ पे डिबलिंग की गई है, कई जगह पे प्लांटेशंस की गई हैं, जमीन में एक ट्रेंच बनाते हैं 2x2 फुट की, 2x4 फुट की जो अवेलेबल स्पेस होती है उस पे हम जो है ना स्विंग कर देते हैं सीट की, बस उसको फिर हम प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जब आप डिबलिंग करते हैं तो आप नेचर के फेट पे होते हैं। इसको हम बोलते हैं ANR, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। जो नेचुरल रीजनरेशन तो हो रही है लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए हम वहाँ पे जो खाली पैचेज है वहाँ पे हम उसकी डिबलिंग करते हैं। वो बारिश होती है तो वो सीड स्प्राउट करता है, तो प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है ना वो स्प्राउटिंग बढ़ती है और उसका ग्राउंड कवर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे जो फायर टावर हैं ये बहुत पुराने, आप ये कह सकते हैं कि प्री पार्टीशन है। ये वो स्पॉट्स जो सिलेक्ट किए गए थे जहाँ पे आप तकरीबन तहसील कोटली सतियंग का सारा एरिया देख सकते हैं।
फायर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे वो देखते हैं, उसको बकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको मेंटेन करता रहा। तो टूरिस्ट काफी सारे यहाँ पे लोग आते हैं और उस पर जो है ना पूरी तहसील कोटली सतिया का जो है ना वो नज़ारा यहाँ से अच्छा नजर आता है। फॉरेस्ट फायर के हवाले से है कि फॉरेस्ट फायर तो लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन हकीकत में जब आप इनके करीब जाते हैं तो उसकी सिवियरिटी का अंदाजा होता है। तो ये लोग अपनी जान पे खेल के जो है वो आग पे जो है ना कंट्रोल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी हमारा इस साल जो फायर सीजन गुजरा है तो इसमें हमारे पूरे नॉर्थ डिवीजन के फॉरेस्ट स्टाफ ने, इंक्लूडिंग जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बस एक ही पेज पे रहे हैं, ऑन बोर्ड रहे हैं, तो 24 घंटे ड्यूटी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन जंगल को अपनी पूरी कोशिशों से आग से बचाया। ये जो हमारा फायर सीजन होता है इसमें आसमानी बिजली की वजह से भी आग लग सकती है, और दूसरा ये जो होता है ना सरवर लगा के जलती तेज फेंक के गुजर जाते हैं, और इसके अलावा ये माल मवेशी वाले इन्हें नई घास उगाने के लिए, यह असल में जो पुराने होता है ना इसमें तर वगैरह गंद वगैरह होता है, गैस वगैरह बैल वगैरह सही खाते नहीं है जानवर उनके, इस वजह से नई घास उगाने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। और यहाँ पे सर ये है कि हो सकता है कि ऐसी जगह पे आग लगे जहाँ हमें पैदल सफर करने के लिए 2 घंटे लगे, तो आपको पता है कि आग को सिर्फ 1 मिनट की जरूरत होती है, 1.5-2 घंटे में तो आग बहुत सारा एरिया लपेट में ले जाते, जितनी लेट हम आग पर पहुंचते हैं इतनी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। 2 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है, आग लगी है जंगल में तो हम आग बुझा रहे थे, वो क्राउन फायर जो दरख्तों के छत्तों के जरिए आग आती है उस आग ने पूरे जंगल को लपेट में ले लिया है। तो ये समझ लें कि अल्लाह पाक ने मुझे नई जिंदगी दी है, अभी तक मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं बचा कैसे हूँ। अगर 1 या 2 सेकंड मजीद लेट हो जाता तो मैं आग की लपेट में आ जाता। मेरे साथ 2 प्राइवेट बंदे और भी थे, हम एक नाले में जाके बैठ गए, आग हमारे ऊपर से गुजर गई है। नाले में यह है कि घास वगैरह झाड़ियों वगैरह नहीं थी जिस वजह से नाले में आग नहीं उतरी है। ये यहाँ पे लोगों का ज्यादातर ये है कि फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं कि जंगल जल के राख हो गया, दरख्त सड़ गया, ये तो हमको भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है जल गए हैं, क्या प्रैक्टिकल काम करो, हमारे साथ मदद करो, फेसबुक पे हमदर्दी ना दिखाओ, ना हमदर्दी तो वो होती है, प्रैक्टिकल काम करो हमारे साथ हो, हम पता है ये लोग हमदर्द है। काफी सारे गाँव है यहाँ पर, यहाँ पे बेसिकली 2 चीजें हैं, एक स्टेट फॉरेस्ट होता है और एक गुजारा फॉरेस्ट होता है। गुजारा फॉरेस्ट है उसको टोटली जो उसकी मैनेजमेंट होती है वो डीसी के जो है ना मातहत होते हैं, डीएफओ गुजारा। जो स्टेट लैंड जो है वो फॉरेस्ट वो डीएफओ फॉरेस्ट होते हैं, डीएफओ रावलपिंडी उनके पास है। अब इन स्टेट फॉरेस्ट के आसपास अगर कोई आबादी रहती है तो यहाँ पे 2 किस्म के फॉरेस्ट हैं, एक रिजर्व्ड है और एक प्रोटेक्टेड है। रिजर्व में तो किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं होते लोकल कम्युनिटीज के, लेकिन जो प्रोटेक्टेड हैं तो उसमें कुछ राइट्स जो है ना वो लोकल कम्युनिटीज के होते हैं। जैसे कि अगर किसी को मकान के लिए कोई लकड़ी चाहिए तो वो हकदारी क्लेम करता है, अपने फायरवुड की जो जरूरत यहाँ पूरी करता है, लेकिन इसके बदले में जो यहाँ पे लोकल आबादी है वो तामन भी बहुत ज़्यादा करती है। स्पेशली आग के सीजन में लोकल लोगों की अगर तामन ना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है 2 गार्ड का पूरे जंगल की आग को कंट्रोल करने में। तो इस सिलसिले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुतलका एसी को ऑन बोर्ड लिया और जो गांव के जो लंबरदार हैं उनके साथ हमने हर गांव में जाके मीटिंग्स की हैं, उनको अवेयरनेस दी है इस हवाले से, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से, फॉरेस्ट फायर के हवाले से, जिसके नतीजे में ये है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। टूरिस्ट जो आते हैं बहुत अच्छी बात आते हैं, जाते हैं उनके पास वो बारबेक्यू वगैरह करते हैं, जंगलों में बैठ जाते हैं, इली एरियाज में या टॉप पे कहीं भी बैठ जाते हैं, तो वो कचरा वगैरह भी फायर फेंक देते हैं। 70% लोग ये कह लें कि पोलाइट होते हैं, कोशिश करते हैं वो सफाई का ख्याल करें, जो 30% ये कह लें कि जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं उनसे बात करते हैं, उनमें से भी 15% ये कह लें कि पोलाइट होते हैं या कोई बात सुन लेते हैं, तो 15% को समझानी पड़ती है या उनसे बहस करनी पड़ती है, उनको एक ट्रैक पे लाना पड़ता है कि ये इस तरह का ये खूबसूरत इलाका है, इसको हम सब ने मिलकर बचाना है, ये हमारी नस्लों की अमानत है, जब इसको हम लोग नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा।
लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि काफ़ी सारे यहाँ पर लोग आते हैं विजिट करने के लिए आते हैं, तो हम उनको बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जो ये नेचर को एंजॉय करते हैं, जो इस सीनरी को एंजॉय करते हैं, तो काइंडली इसके पीछे जो है हमारे फॉरेस्ट गार्ड की काफ़ी एफर्ट्स होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है तो इसकी वजह से ये आज ये जंगल हैं। खुदा न खास्ता अगर ये जंगल नहीं रहेंगे तो ये जो है ना ऐसे स्पॉट्स नहीं रहेंगे।